क्या आपके कोई भी काम नहीं बन पाते हैं? क्या आपको यह पता नहीं है कि आप कौन सा कार्य कब शुरू करें जिससे आपको उसमें सफलता हासिल हो? क्या एक सही चुनाव आपको उस कार्य में उन्नति देगा? हम कैसे जाने कि हमें कौन सा कार्य कब शुरू करना है और वह कौन सा समय है जिस समय पर हम अपने कार्यों को शुरू कर सके? इस समस्त की जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध होगी। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभिजीत मुहूर्त को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। अभिजीत शब्द का अर्थ होता है विजेता। ऐसा माना जाता है किसी भी काम को करने के लिए सही मुहूर्त का चुनाव अति आवश्यक होता है। अभिजीत मुहूर्त ऐसा ही मुहूर्त है जिसमें किसी भी कार्य को करने से सफलता मिलने के आसार बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पूरे दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं। इनमें से कुछ मुहूर्तों को मांगलिक कार्यों के लिए शुभ तो कुछ मुहूर्तों को मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्तों में किसी भी काम को करने से उसकी सफलता के आसार बढ़ जाते हैं। जितने भी शुभ मुहूर्त होते हैं उनमें से अभिजीत मुहूर्त को सबसे अधिक शुभ और मंगलदायक माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त प्रतिदिन मध्याह्न से 24 मिनट पहले शुरू होकर 24 मिनट बाद में खत्म हो जाता है। यह दिन के 12 बजे से 24 मिनट पहले शुरू होकर यह 24 मिनट बाद तक चलता है। अभिजीत मुहूर्त का समय सूर्योदय पर निर्भर करता है। यह किसी दिन 1 मिनट पहले तो किसी दिन 2 मिनट पहले भी हो सकता है। सूर्योदय के अनुसार अभिजीत मुहूर्त में परिवर्तन आते रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ अभिजीत मुहूर्त का महत्व और किन कामों को इस अभिजीत मुहूर्त के दौरान करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त को बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इस दौरान कई शुभ कार्य किए जा सकते हैं। यह एक ऐसा मुहूर्त है जो कई कार्यों के लिए शुभ होता है। जैसे इस मुहूर्त के दौरान आप कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं। ऐसा करके आपको उस कार्य में उन्नति प्राप्त होगी। व्यापार हो या कोई नई दुकान खोलनी हो, शुभारंभ आप इस मुहूर्त से करते हैं तो आपको निश्चित ही उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। आप कोई धन संचय करना चाहते हैं या किसी ऋण को चुकाना चाहते हैं, उसके लिए भी यह समय बहुत शुभ माना गया है। इसके साथ साथ नए घर में प्रवेश के लिए भी यह मुहूर्त अत्यंत शुभ माना जाता है। कई विद्वान यह भी मानते हैं विवाह के लिए भी यह मुहूर्त अत्यंत शुभ है। मुंडन कार्य को भी आप इस मुहूर्त के दौरान कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य बहुत से धार्मिक कार्यों के लिए यह मुहूर्त अत्यंत शुभ माना जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ अभिजीत मुहूर्त में आप क्या नहीं कर सकते, इस दौरान आपको क्या नहीं करना है। जब भी अभिजीत मुहूर्त शुरू होता है उस दौरान आपको दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी है। इसके साथ साथ बुधवार के अभिजीत मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के गलत कार्यों को अभिजीत मुहूर्त के दौरान नहीं करना चाहिए। तो यह अभिजीत मुहूर्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। उम्मीद करता हूँ आपको यह पसंद आया होगा। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।